हेलो एवरीवन, असेंबली लाइन प्रेजेंट्स केनियक्स। हेलो एवरीवन, असेंबली लाइन प्रेजेंट्स केनियक्स ई स्पोर्ट्स लीग सीजन 1 एंड वेलकम टू द फर्स्ट मैच ऑफ राउंड ऑफ 32। कैन बोथ द टीम्स एंटर ब्लैक एंड वी हैड कम आउट ऑफ देयर रेंजेस। सो वी गोना स्टार्ट द मैच इन फ्यू सेकंड्स। So team V Hot has chose Ascent for the first match and End Black has chose to defend. Team V-Hot has already locked in all their players. Choose your agent. हेलो गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड सॉरी, मेरे को सब ओवर के नाम से जानते हैं, गेमिंग नेम। आई होप जो भी स्ट्रीम ज्वाइन, मतलब जो भी वीडियो देख रहा होगा, दे नो अबाउट मी। हमारे डिफेंडिंग साइड में ENT टोरेटो सोवा के साथ, ENT घोष शैडो रीना के साथ। ओके, इनका दो ड्वेलिस्ट है एंड स्मोक्स इनका आई गेस Not that much smoke. Out. Recalling my bot. Alarm bot out. Target destroyed. Okay. Full attack to B. B main mein sare log. All right. Anish is down. V hot ke. Razor blade low hai. Bahut kafi low hai. और आई डोंट थिंक हेल्प मिलने वाला है अंटिल एंड अनलेस वो फ्रैग ले। गो शैडो इज रिवील्ड। ओके, नाइस शॉट। रेजर ब्लेड इज ऑलमोस्ट 60 HP। बी मेन एंट्री हो चुका है, बी मेन साइट को एंट्री हो चुका है बी मेन से। Again, okay. They have only two people. Cypher, nice shot. Last player standing. और ये round Razer का team लेते हुए, very good round by V Hot.
ओके तो साइफर स्पेक्टर के साथ ENT मैक्स को खत्म करते हुए मार्केट में एंट्री नहीं हो पाया। रिजर्व का टीम फिर से डोमिनेशन लेते हुए, आई गेस ENT को कुछ करना पड़ेगा। दे हैव ओनली 2 प्लेयर्स लेफ्ट। रिकी भाई अपने फॉरवर्ड आते हुए थोड़ा बहुत लो, आई गेस मरेगा। ओके वेरी नाइस शॉक डार्ट। अगेन वी हॉट का टीम सेकंड राउंड जीतते हुए। रियली नाइस प्ले बाय वी हॉट। Placing alarm bot. लगातार दो राउंड से बी में नहीं अटेम्प्ट हो रहा है फ्रॉम वी ऑट। लेट्स सी, इस बार टरेट है। अच्छा फ्लैश आते हुए रेना से, बट कोई पीक नहीं लिया है। बैक स्टेप करते हुए एंड ही इज डेड। पिक्सेल इज डेड। अब ये शायद रोटेशन हो गए की तरफ फ्रॉम मिड, एंड आई गेस किल जॉय इज एके। स्पाइक डाउन मिड। एस्ट्रा ENT के टीम से अच्छे से, मतलब शी इज ट्राइंग हर बेस्ट। ओके आई गेस फिर से बी अटेम्प्ट होगा। अनिश का और गोश शैडो का 1v1 हो सकता है अभी। लेट्स सी। ओके नाइस शॉट बाय गोश शैडो। वेरी नाइस शॉट। रिकी बेबी स्पाइक डाउन मिस। गोश शैडो इस लेते हुए। वेरी नाइस, that's a good comeback from ENT team. Very nice. I guess we out के टीम को मिड से पुश करना चाहिए, क्योंकि ना मिड में बस साइफर ही रहता है ये शॉट में। सो एंट्री करना ईजी होगा मार्केट की तरफ से इफ दे आर प्लानिंग टू गो टू बी साइड। इस बार स्प्लिटअप है वी ऑट का टीम। आउटसाइड कैंपिंग चल रहा है, सो लेट्स सी। ड्रोन फंसते हुए साइफर के ट्रैप से। हियर शॉट बाय अनिश। ये पुश आते हुए बी ए में। आई गेस सोवा का 1v1 होगा ENT पिक्सल के साथ। और रिक्की भैया एम लेते हुए। ओके दैट्स अ नाइस डैश। नाइस शॉट बाय गो शैडो। ज्यादा लो मार्केट से एंट्री। फुल पुश बाय मार्केट। चार जन फुल पुश बाय। दैट्स नाइस सुपर्ब शॉट बाय रेजर ब्लेड। अभी एंट्री कर सकते हैं क्योंकि ना उनका एक प्लेयर ए से रोटेट कर रहा है। दिस इज द राइट टाइम आई गेस। 2v2 एक स्टिल ए से रोटेट कर रहा है और वो पहुंच भी गया। सो वन एनिमी रिमेनिंग। नाइस शॉट। जेट काफी लो है। नो बहुत गलत डिसीजन होता वो। नाइस वन। वी आउट का टीम एक और राउंड लेते हुए। द स्कोर इज 1-3।
एंड अगेन बी सक्सेसफुल हुआ वी आउट की टीम से. ये जा ही नहीं रहा है ए में, ए को ये ड्रोन व्यू का कुछ इश्यू हुआ है. आई विल सॉल्व इट इन द नेक्स्ट मैच. ना बहुत शॉर्ट रेजर प्लेट से, बहुत अच्छा शॉट था. टोरेटो बहुत एग्रेसिव खेल रहे हैं. वो आई थिंक नो, इट वॉज अ बैड डिसीजन. अगर तुम ट्रैप लगा रहे हो सो यू शुड नॉट गो एंड पुश. रेजर का पुश आता है ए को ए शॉट से. वेरी नाइस शॉट बाय टीम मेंटल. सॉरी यार मैं अगर नाम वाम गलत पढ़ रहा हूँ तो. स्पाइक प्लांटेड. ए एंट्री किल जॉय इज लो ई एन टी से. ये राउंड मेरे को लग रहा है कि ले लेंगे. वेरी नाइस राउंड बाय वी आर टीम. वी आर बहुत उम्दा खेल रही है. Up I go. Okay. इस बार ऑप आ गया. अब तो होगा कलेश. बट आई डोंट नो लोग पुश क्यों कर रहे हैं. आई डोंट नो क्यों लोग पुश कर रहे हैं यूएनटी से. इफ दे आर इन डिफेंडिंग टीम दे शुड वेट फॉर द राइट मोमेंट. ऑफ है अभी इकोनॉमी भी. वेरी नाइस शॉट बाय अनीश. नाइस शॉट बाय टोरेटो. अनीश दोनों को ले चुका है ऑलरेडी. सो 4v3 इट इज. एंड आई गेस वी आउट का टीम अभी पुश कर. ओके ट्रैप पड़ा हुआ है यहाँ पे. नाइस शॉट बाय रेजर. स्पाइक प्लांटेड. टोरेटो अभी तक रोटेट ही हो रहा है. रोटेशन नहीं हो रहा है सो कंफर्टेबल प्लांट ही रहेगा. Standing ahead. एक मेन में एक इनसाइट एंड वन एनिमी रिमेनिंग. अनदर राउंड बाय रेजर प्लेड का टीम. वेरी नाइसली प्लेड बाय रेजर. आई थिंक ईएनटी के टीम को थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा. लाइक बिफोर पुशिंग दे शुड थिंक अबाउट कि दे आर लूजिंग अ they are losing economy as well as a player also. In defending mein obviously player zyada chahiye as compared to attacking. Anish come on. Nice shot by Anish. ए में पुश करना चाहिए. आई गेस ए में पुश करना चाहिए बिकॉज एनिमी डाउन. दैट्स अ नाइस रोटेशन बट सॉरी. लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग. एंगल ही नहीं मिला. पिक्सेल अकेला बचा हुआ है ईएनटी से. आई थिंक फिर से वीओट एक और राउंड सक्सेसफुली बी मेन में. नाइस शॉट बाय अनीश. स्पाइक प्लान. नाइस शॉट बाय पिक्सेल. ओमेन इज फुल एचपी है.
व्हाट अ राउंड बाय पिक्सेल, बहुत अच्छा क्लच था पिक्सेल से ईएनटी। क्लच ओ वाओ यू गाइस सक। I'm going above. Traps आते हुए इस तरह से, but इस बार top mid pick आएगा शायद रिक्की भैया से, let's see. Get out of my way. Jet का ultimate. और ये हाफ स्मोक होते हुए बहुत अच्छा स्मोक था, लेट्स सी। हियर आई डोंट थिंक साउंड देना चाहिए ना। पूरा टीम स्प्लिट अप है, फुल टीम स्प्लिट अप है। केज ट्रिगर्ड आई गेस ए एंट्री होगा, ए शॉर्ट से दो और ए मेन से तीन, लेट्स सी। शॉर्ट्स आएंगे तो पिक्सेल कैन टेक देम ओवर। अगेन रोटेटिंग टू बी मेन, 30 seconds लेफ्ट। सारे बी मेन जा रहे हैं, ओके ENT का टीम से दो लोग साइट में है बस, बाकी सबको ही रोटेट ही कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा अनिश से, टाइम नहीं है अभी, 12 सेकंड ही है। दे शुड प्लांट फास्ट। डिमेंटर आ चुका है साइट को ऑलमोस्ट। ओके एंड एक और राउंड, अभी वी हॉट का दूसरा हार होते हुए। ENT played very well, very nice round. Rotation सही time में हो जाएगा तो मतलब फिर कोई problem ही नहीं है। Kills doesn't matter in this game for me. I think इसमें team coordination सबसे ज़्यादा matter करता है, जो कि ENT अभी किया। Like they immediately rotated so that they can give support to their teammates. Economy save karte hue Razor. बी मेन में बस दो ही जाने हैं, सोवा एंड किलजॉय। लेट्स सी, किलजॉय का तो ट्रैप लगा ही होगा एंड अस्त्रा का भी है। सो अरे स्मोक होते हुए गो शैडो शुड रोटेट, आई गेस इट्स फ्री टू रोटेट, बट हाँ ऑब्वियसली मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मुझे पता है रोटेशन करना चाहिए। अनिश कैसे लो हुआ मैं देखा नहीं। आई गेस ए शॉट में किसी को देखना चाहिए, नहीं तो ए शॉट से पुश हो सकता है और हो भी गया पुश। 30 सेकंड्स लेफ्ट। पिक्सेल पीक लेते हुए बट Spike down A. Dementor cloner को लेते हुए। Go shadow बहुत अधी should plant actually. बहुत बढ़िया round by Pixel. ENT team. बहुत बढ़िया round by ENT team. Bot come back. इसे बोलते हैं comeback. It's a good comeback though.
Placing sentry. Placing alarm bot. Watching this. Revealing area. Hello guys, this is Lucifer over here. And Team Weaver ने A पर push कर दिया है. सोवा का अल्टीमेट टोरेटो ने एक को ले लिया है. नाइस शॉट बाय ईएनटी गोस्ट शैडो. गोस्ट शैडो ने भी एंड कर दिया है गेम को. अभी स्कोर बराबर हो गया है 5-5. लेट्स सी अभी कौन लीड लेता है फर्स्ट हाफ में. और टीम वी हॉट फिर से बी के साइड जाते हुए. ओके टीम वी हॉट इज पुशिंग टुवर्ड्स मिड राइट नाउ एंड दे आर गोइंग टुवर्ड्स मार्केट एंड फिर जो के बूम बॉट ने सॉरी नैनोबॉट ने स्पॉट कर दिया. दे ट्राइंग टू ब्रेक थ्रू द डोर एंड वहाँ पे पिक्सल यहाँ पे रोटेशन को मार्क करते हुए एंड ही हैज़ बीन स्पॉटेड. रेजर ब्लेड लो है और वो भी लो है. वहाँ से सुबह पर ड्रोन आते हुए ब्रेक कर दिया बट स्टिल ही स्पॉटेड. एंड डिमेंटर और वो शेडो यहाँ पे एक स्टिल होल्ड कर रहे हैं. दैट इज़ अ गुड डिसीजन. अनिश यहाँ पे फ्लैंक कर रहे हैं टुवर्ड्स ए साइड बट आई गेस वो अभी जा रहे हैं टॉप मेड की तरफ. ओके अभी बी पे पुश होगा टू मार्केट. किल्जोन ने अपना अल्ट लगा दिया है. लेट्स सी सोवा ट्राई कर रहे हैं अभी ब्रेक करने के लिए. लॉकडाउन डिस्ट्रॉय हो गया और बी के साइड पुश हो गया अभी. लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग. ओके दैट वाज अ नाइस पुश बाय पिक्सल. और डिमेंटर यहाँ पे जा रहे हैं इनको फ्लैंक करने. लेट्स सी. ओके नाइस राउंड बाय ईएनटी एंड दे हैव कम बैक. लास्ट राउंड इन द हाफ. And this is the last round for this half and let's see who takes the lead right now. क्या स्कोर 6-6 होगा या फिर 7-5 से टीम ईएनटी लीड करेगी. टोरेटो यहाँ पे अपना शॉक डार्ट रेडी कर रहे हैं एंड टीम वी हॉट बी को फुल पुश करी और नाइस शॉट बाय रेजर ब्लेड. ही हैज टेकन द फर्स्ट ब्लड और मैक्स ने नाइस प्ले बाय मैक्स. ही हैज टेकन टू किल्स और यहाँ पे पिक्सल और ना वो स्मोक के अंदर रहते हुए अनीश ने पिक्सल को ले लिया. क्लोनर ने मैक्स को ले लिया. नाउ बी साइट इज फॉर देम. स्पाइक प्लांटेड. नाउ टीम ईएनटी हैज टू रोटेट. डिमेंडर सिटी के साइड से आते हुए और यहाँ पे अनीश सिटी. ओके देयर इज अ नाइस ट्राई बाय अनीश बट यहाँ पे फाइट डिमेंडर के नाम जाते हुए और उन्होंने अपना अल्टीमेट कर दिया. He will try to slowly push but he doesn't have HP. Let's see what happens. और क्लोन यहाँ पे स्मोक के अंदर आस्त्रा का वेट करते हुए. Last player standing. Dementor has taken one kill. Okay, nice play by cloner. और 6-6 पर first half end हो रहा है. That was a very intense first half. It's time for ENT to attack. Let's see क्या उनका अटैक उनके डिफेंस जैसा स्ट्रॉन्ग हो सकता है.
and they are also planning towards B site. Most of the players mid पे हैं और Dementor top mid पे हैं. Sova का recon आते हैं और Cypher camp से pixel tag हो चुके हैं. Hello Lucifer. Yes. Yeah, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है. Okay bro. My ult's not ready. यहाँ पे टीम ENT A शॉट की तरफ पुश कर रही है और रेजर ब्लेड यहाँ पे शॉट पे रहते हुए और घोस्ट शैडो का किल लेते हुए और टोरेटो ने ट्रेड ले लिया है. क्लोन यहाँ पे स्लोली पुश कर रहे हैं स्मोक के थ्रू से और वेट कर रहे हैं वो दोनों प्लेयर्स का. ओके ट्राइड बट रिकी बेबी ने दो किल ले लिया है और टोरेटो यहाँ पे 47 एचपी के साथ ही हैज बीन स्पॉटेड एंड देयर आर सम नाइस शॉक डार्ट्स बट सेकंड वाला कनेक्ट नहीं हुआ. Anish is still and they both are towards A shot. Sova जा रहे हैं अभी B side पे अपना spike plant देने. If ENT clutches this, it will be actually a very nice comeback. Yes, yes, it will be. Let's see. कौन ही round लेता है? क्या ENT Toretto clutch कर पाएंगे? उनके team का IGL clutch कर पाएंगे? Anish full HP के साथ है और Ricky baby के पास 74 HP. Let's see. सिटी प्लांट है. टोरेटो भी मैं देख रहे हैं लेकिन बोथ प्लेयर्स आर कमिंग फ्रॉम सिटी एंड नो वन इज टेकिंग इट इजी. 1v2 है फिर भी दोनों सेफ खेल रहे हैं. या एग्जैक्टली ये स्पॉटेड होती है क्या? नाइस नाइस वेरी नाइस ट्राई बाय एंटी ने 3 किल्स ले लिया ये राउंड और जिता दिया अंक अपनी टीम को. फर्स्ट पिस्टल राउंड सॉरी सेकंड पिस्टल राउंड जाते हुए टीम वी हॉट की तरफ. राइट हियर राइट हियर. व्हाट डू यू थिंक वरुण कौन जीतेगा? आई द वे एंटी डिड द कमबैक आई थिंक दे आर लाइक प्रीटी प्रीटी गुड लाइक दे हैव अ पोटेंशियल टू विन दिस मैच आराम से. ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स बोथ टीम्स आर प्लेइंग रियली वेल. या या दे पुटिंग द 100% टुवर्ड्स इट. हु डू यू थिंक इज प्लेइंग बेटर फ्रॉम वी हॉट? B hot से as I can see from the scoreboard, cloner is playing good. And yeah. I also know Razor. I really like Razor Blades. Yes, yes, he's also nice. A very good player. Let's see अभी ENT का तो इको राउंड है और इन्होंने V hot ने सब स्पेक्टर्स बाय किया है और पिक्सल यहाँ पे साइफर का कैम्प ब्रेक करते हुए B पे एंड आई गेस ही इज ट्राइंग टू एंटर द साइट टू टेक द फर्स्ट ब्लड. एवरीवन हैज एंटर द साइट. लेट्स सी हु टेक्स द फर्स्ट ब्लड. यहाँ पे बी साइड पूरा खाली है. ओनली मैक्स यहाँ पे एक पोजिशन अपने होल्ड करते हुए कॉर्नर पे और सीटी की तरफ दो प्लेयर्स आ चुके हैं. ओके दे हैव लेफ्ट द एंटायर साइट एम्प्टी इवन इफ दे हैड स्पेक्टर्स. ओके पिक्सल ने एक किल ले लिया अपने क्लासिक से. दे आर एक्सपेक्टिंग यहाँ पे डिंक है टाइटन्स प्लस डिंक्ड है. नाइस वन बाय टोरेटो एंड ही टेक्स द किल. व्हाट अ प्ले व्हाट अ प्ले. Even if okay, we hurt us. Okay. Same 1v2. Okay. Amazing retake, yaar. They did an amazing retake. You're right. Even after losing two players. Totally. Oh, was that important? And Anish यहाँ पे पूरा pop करते हुए आ रहा हूँ. ये round Anish के नाम. Okay, now ENT is again planning to go towards B site. जैसे कि मैं देख रहा हूँ Dementor यहाँ पे हमेशा A के साइड रह रहे हैं टॉप मेड के साइड. I guess he is waiting for the flanks. हाँ फ्लैंक चेक करने के लिए हमेशा. Killjoy पुजने. Okay, Killjoy is here. Nice. Recon थोड़ा गलत हो गया. टोरेटो की तरफ से अनीश अनीश का पोजीशन साइड से नोन है टोरेटो को एंड ही इज इन अ वो बच गए यहाँ से. व्हाट अ प्ले. नाइस वन बाय रेजर ब्लेड. द डिस्ट्रैक्शन वाज एवरीथिंग. ओके टोरेटो यहाँ पे पूरा फंस चुके हैं. फर्स्ट ब्लड कम्स टू द नेम ऑफ रेजर ब्लेड और यहाँ पे मैक्स स्टिल बी के बाहर वेट कर रहे हैं. ओके साइफर ने स्पॉट कर दिया है.
रेजर ब्लेड इज स्टिल होल्डिंग ए साइट एंड यहाँ पे तीन जन ए के बाहर है. इफ दिस पुश इज सक्सेसफुल बाई टीम ई एन टी they can take this na hold kar rahe hain wo log like side ke bahar. yes if other team should probably rotate. B hot makes one single mistake then ye pura round shayad ENT ka naam ho sakta hai aur ye apna ultimate pop kar chuke hain. okay max is trying to enter side. okay oh ENT has taken the site. 30 seconds left. Ricky baby yahan pe a shot pe spike planted. the max was very successful taking yes, the b yes. site wahan pe 1v1 cypher ke sath jeet gaya max mid se aa raha hai. न्यूट्रलाइज रिकी बेबी यहां पे इट्स जस्ट रिकी बेबी नाउ ले लिया है मैक्स को. अभी 3v1 है. लेट्स सी चांसेस तो बहुत कम लग रहे हैं लेकिन लेट्स सी क्या कर सकते हैं. टोरेटो यहां पे 22 एचपी में. कोई भी टीम ने हीलर नहीं लिया दैट इज वन. या दैट इज एक्चुअली सरप्राइजिंग. रिकी बेबी स्टिल ट्राइंग. ओके गोस्ट शैडो हैज टेकन द ट्रेड एंड दिस राउंड गोस टू टीम ईएनटी. एज आई सेड वन स्मॉल मिस्टेक एंड पूरा राउंड ई एन टी का नाम. ई एन टी इज प्लानिंग टू गो टुवर्ड्स मिड अगेन. ओके ई एन टी इज एक्चुअली प्लेइंग इट वेरी काम. यस 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 दे आर नॉट रशिंग एट ऑल. गोशेड यहाँ पे 16 किल्स के साथ टॉप फ्रैग कर रहे हैं. टरेट को यहाँ पे डाउन कर दिया अनीश ने. पिक्सल यहाँ पे फर्स्ट ब्लड लेते हुए क्लोनर का. और टीम ईएनटी ट्राई कर रहे हैं नाइट से मार्केट से कुछ निकले. यहाँ पे रेजर ब्लेड बहुत अच्छे पोजीशन में. नाइस वन रेजर ब्लेड. नाइस वन रेजर पिक्सल का किल लेते हुए बहुत अच्छा पोजीशन होल्ड किए थे. रिकी बेबी ने घोस्ट शैडो को डाउन कर दिया है. दे बोथ हैव टेकन डाउन टू प्लेयर्स विद द शेरिफ. दैट वाज अ नाइस प्ले. डिमेंटर यहां पे ए साइड होल्ड कर रहा है. ओके दे आर ऑल प्लानिंग टू गो टुवर्ड्स ए साइड. यहां पे टोरेटो भी ए साइड आ गए हैं. यहां पे बॉम्ब प्लांट भी हो जाएगा. दे हैव टेकन ए साइड राइट नाउ. रिकी बेबी इज रोटेटिंग और मैक्स यहां पे पुश होल्ड कर रहे हैं. लेट्स सी यहां पे क्या होता है. क्या अनीश मैक्स को ले पाएंगे या फिर. Okay, they both have spotted each other. Oh, very nice. Razor Blade has also taken the kill of Max. It is a 3v2 now. It's actually very doable for ENT. They can do it. Dementor has spot ho chuke hain Ricky Baby ki taraf se. One enemy remaining. Thoda sa idhar udhar ho gaya. That is a double shock from last player. Okay, okay. ओके क्या टोरेटो ये क्लच कर पाएंगे अपने अल्ट का. एंड यू हैव डिफ्यूज हो गया था. नाइस राउंड बाय अनीश. 0.1 सेकंड्स में स्पाइक डिफ्यूज भी कर दिया. एंड इट वाज वेरी गुड डिसीजन टू हैव डिफ्यूज द स्पाइक फर्स्ट. देयर वाज अ नाइस राउंड बाय टीम वी हॉट हियर राइट हियर. टोरेटो ने ट्राई किया अपने एल्ड से डिफ्यूज को रोकने के लिए लेकिन इट वाज अ नाइस ट्राई. आई एक्चुअली थॉट उसका लाइक शॉक डार्ट्स आ जाएंगे बट देन डबल शॉक किया था लेकिन जस्ट सेकंड शॉक जब आया तो अनी साइड हो गए इसीलिए दैट वाज अनसक्सेसफुल. गेट आउट ऑफ माय वे. कैनिंग अहेड. ओके ईएनटी मैक्स इज ऑलवेज ऑन दैट साइड. एक्सेल ने अपना एल्ड पॉप कर दिया है अपने ब्लेडस्टॉर्म और ए शॉट के साइड पुश कर रहे हैं. क्या वो वोमेन को कैच कर पाएंगे. एंड ही डेड. रेजर ब्लेड यहाँ पे ए साइड पे होल्ड करते हुए. दैट वाज अ नाइस शॉट बाय ईएनटी पिक्सल. ओके ही हैज टेकन द फर्स्ट टू ब्लड्स. सो अभी अपने टीम के लिए वो अपना काम कर चुके हैं. नाउ हिज टीम नीड्स टू गो एंड प्लांट द स्पाइक. रिकी बेबी यहाँ पे लाइनअप्स रेडी करते हुए प्लांट के लिए. शॉक डार्ट. ओके अपने शॉक डार्ट सेंड. आई गेस टोरेटो को पता था कि डबल शॉक्स आएंगे. वे दोनों सो का फाइट से कैनिंग अहेड. अनीश इज पुशिंग द एंड वो शैडो इज टेकन. अनीश नॉट इट. वेरी गुड डिसीजन बाय अनीश.
अभी 2v1 है क्या? रिकी बेबी एक क्लच कर ट्रायंगल अनीश यहाँ पे अपना ऑप बाय कर चुके हैं ऑपरेटर एंड ही इज फ्लाइंग टू वॉच मेड आई गेस यस वो मेड से अभी देखेंगे टॉप मेड मार्केट से अनीश इज ऑपिंग मेड यस एंड अभी नॉट दिस डिमेंटर यहाँ पे टोरेटो भी स्पाइक लेके एक साइड आ चुके हैं आई गेस दे आर प्लानिंग टू फेक बी एंड प्लान टूवर्ड्स ए लेट्स सी रेजर ब्लेड तो ये साइड बहुत अच्छा होल्ड कर रहे हैं पॉज किसने लिया पिक्सल ने यहाँ पे टाइमर लिया है Here. 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 Pixel ने पॉज लिया था अभी पॉज रिज्यूम हो चुका है मैच अनीश ने अपना ब्लेड स्टंप पॉप कर दिया है आई गेस वो ऑपरेटर नहीं बाय किया इसमें यो बीएनटी केम अप विद सम न्यू स्ट्रेटजी आफ्टर द पॉज ओके लेट्स सी मैक्स अभी भी बी के बाहर होल्ड कर रहा है ऐसी बीएनटी यहां पे ए शॉट की तरफ पुश कर रहे हैं और रेजर ब्लेड वहां पे अकेले और क्लोनर इज दे हैव एंटर्ड द ट्रीज एंड रेजर ब्लेड अलोन नाइस शॉट यार दिस डिमेंटर यहाँ पे ट्रेड लेते हुए टीम वी हॉट का इको राउंड है लेट्स सी कैन दे विन दिस वो शायद यहाँ पे शॉट हो चुके हैं ओके ईएनटी विद द मैन एडवांटेज राइट नाउ एंड यहाँ पे हेवन spotted or one enemy remaining 4v1 titan splash with the titan sheriff splash is alone with the sheriff let's see what he can do oh nice shot yeah it was nice bro nice he tried his very best yes he did score barabar pe barabar aaye ja raha hai 6-6 very close match 9-9 team ENT is trying to push towards Anish is hopping again okay now he has taken the op yep razor blade abhi position change kar diya abhi wo ace shot pe khade aur Anish yahan pe Oh. Okay. They know that Anish यहाँ पे off कर रहे हैं and they will be careful I guess. Shot done. Razor Blade यहाँ पे बहुत अच्छा position hold करते हुए. Okay, he has been spotted. Razor Blade has been spotted. And
They are fully pushing towards B site. What? Okay. What was that shot? Okay, they have taken. They have taken over B site. They're planting now. Max is holding their position in the cubby. Anish taking a very aggressive peek. Okay, Toretto has spotted Anish. दुकान का बैरल यहाँ पे दिख चुका है. मैक्स यहाँ पे एक फ्रैग लेते हुए देखी बेबी. इट इज अ 2v2 नाउ. विल अनीश बी एबल टू. ओह वेरी नाइस शॉट बाय अनीश. कैन अनीश क्लच दिस. कैन अनीश क्लच दिस. एन अमेजिंग. टोरेटो पिक्ड अप द ऑप एट द रॉन्ग मोमेंट एंड अनीश did it again. उन्होंने अपना ऑप भी सेव कर दिया. That was a nice round by Team Vihot. It's so like it's so easy for ENT to take over the site, but they are not able to hold it. Yes, I do agree with you. Retakes are very nice, like they can hold the site and just play for the defuse. But yeah, Vihot is giving a very nice retake. Like. Yes. Now Team ENT is trying to push towards A site. Okay, let's see. Going towards A. Only Omen है. और यहाँ पे. But see, look at the way they're rotating. Like Sova and Reyna have already rotated. Already they are at A site. यहाँ पे बोला जाए तो चार जन यहाँ पे भी A site पे हैं. It was just Omen. Now it's four of them. Anish is only watching A shot. If anyone pushes through mid. Okay, Dea, Ricky is taking a slow. Titan's Flash has spotted Max. And Abhi, Sova, Reyna, dono wapas ja rahe hain B side ki taraf. And Omen fir se akele yahan pe A pe. Again, this is the moment. This is the right time. Yeah, this is the moment they can enter. Sova already to drone. Okay. Go ahead and the first pick le liya. Okay, Ricky BB. Nice one by Max, and he has taken down the other sentinel of their team. Anish ne Max ko spot kar diya, lekin apna shot miss karte hue. Anish giving. Team ENT has full control over A side, but Anish is giving a backstab with AWP. Toretto is watching from A main. He needs and to watch this. And Toretto has no idea. Oh. Damn, very okay. Nice evade. I guess he's planning to save the operator for now. Yes, he is. Scanning ahead. And Toretto is running towards him. Max is waiting for Anish. Waiting, he's just. Okay, he doesn't want him to save the operator. Okay, he has spotted him now. Anish is waiting for this. And none of them are giving a peek. No, they don't want to take the risk. What a very close match. What a very again. Close match. Now Team ENT is split up. Here. रीना मिड जा रहे हैं और ये हाई मिड जा रहे हैं. अनीश इज स्पीकिंग बी मैन विथ हिज ऑपरेटर. ओके, रेजर ब्लेड इज पुशिंग टुवर्ड्स थ्रू द स्मोक आई गेस. अनीश ही माइट कैच पिक्सल फ्रॉम दिस पोजीशन एंड ही डिड. गो शैडो ने अभी ट्रेड ले लिया. गोइंग टुवर्ड्स ट्री. Okay, I think they'll try to enter from tree, I guess. Okay. A shot se push aa raha hai. Obscuring vision. Okay. Dinor abhi bhi A side pe hai. Kya wo defend kar payenge? He is under heaven. Lunar is under heaven. Can he? And he has spotted, okay, he takes one. Okay, Toretto takes down. The trade. Anish is backstab.
Spike planted. Okay, three people are going from three positions. And Sova has been spotted. Okay, he missed the shot. He missed the shot. And Toretto is with his operator. Standing ahead. Both Sova's are throwing out the recons. Last player standing. Ghost Shadow is taking Ricky Baby. And Titan Splash is also down. I don't understand why is Anish like going backstab with the op. Like is that a thing to do? I don't know. He would have taken more picks. Yeah. I guess Cypher was in heaven, so he tried to push through him in with his operator. He did the same last round. Yes. But he couldn't save the op this time. And now team VHOT is on eco round. Okay. Lunar is the only one with the Spectre. It's Lunar. Let's see, can team ENT win this anti eco? Razor Blade in the cubby. He's again holding another nice position. There are two players on B side and both are duelists. Can they both hold the position? Okay, he has been spotted. Now they're all on the. Okay, Ghost Shadow has taken the pick. Okay, nice one by Max. Entire B side is with Team ENT right now. Can VHOT win this eco round? Okay, that was a nice shot by Ricky Baby. Revealing area. Okay, he might get spammed and he did. Both of us have spotted each other. Very nice shot by Ricky Baby, and it is 2v1 again. He doesn't have much HP to clutch this up. Ricky and Baby. He has been spotted by Reyna. Oh, a nice try, Team ENT match point. Has a match point right now. Can they win this? Their new strategy worked, it seems. I gotta visit the Astral. Ghost Shadow is top fragging with 24 kills right now. Okay, Anish has bought the operator again. Can will he be successful the, this time? Yeah, exactly. Will his operator skills be successful this time? He's picking top mid, but another player is over there. You are divided! And the same thing is happening again. Cloner is alone at A site and they're all pushing towards A. Cloner is stuck over there and he actually has a good position. No one knows where Cloner is. Okay, he has been spotted and Ghost Shadow takes him out. Spike has been planted. And Ricky Baby takes down Dementor and Pixel. He takes two of them. That was a nice one ultimate by Sova. And this round goes towards VHOT. Okay, Max is just has given and up. And he's just waiting to save his gun or waiting for exit frags. Not even waiting for that. He's just waiting to save himself. Ricky Baby's ultimate has saved VHOT this round. Even Anish had a very good push at the right time. Yes, he did. And now Ricky Baby is top fragging from their team. A Sova with 20 kills. That is very good. Yes. Playing Sova is very difficult. Now team ENT is pushing towards mid. They have Anish waiting for their one peek. Will someone peek? Ricky Baby has been and okay, Pixel. Took down Ricky Baby and Anish. They have been spotted. The match savers are down. Razor Blade. There is only one guy at B side. Razor Blade has been completely smoked. He is also down. Entire B side is with team ENT. Yeah. Let's see.
Can team V hot get this retake? Can? One enemy remaining. It's just razor blade now. It's just razor blade now. Can he do the 1v5? Let's see. Pixel is finding for him. Is this the super ace? Pixel is looking for him and he has spotted him. Oh! Team ENT wins this match. Win. That was a nice game at Team the ENT. The better Reyna. Good game. Good game. Very nice game. There was a nice round. Both the teams played very well. Now the next match will be started within 15 minutes. There will be 15 minutes intermission. Just wait. Thank you.
I feel like I'm falling.
Everything you promised me, nothing like I thought it'd be.
Everything you promised me, nothing like I thought it'd be.
Everything you promised me, nothing like I thought it'd be.
I think I'm gonna go.
यहाँ पे डिफेंडर साइड पे निंजा ने वुमन लिया है, तो इसने किलजा लिया है और हर्ष ने जेट लिया है। एनिमस यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं सुबह, लेट्स सी। Select your agent. Okay, both teams have selected all their agents. Today's match is presented by Assembly Line and also sponsored by Assembly Line. And Assembly Line is a PC building company and it expertise in building PCs for gamers and workstations. So please follow our Instagram page and our YouTube channel so to keep getting updates about the tournament and also our builds and offers. अभी मैच स्टार्ट हो चुका है एंड बोथ टीम्स आर रेडी।
पहला मैच जो कि वी हॉट और टीम ईएनटी का था, मैच बहुत क्लोज गया था और ईएनटी ने वो जीता था, बहुत अच्छा जीता था, उन्होंने कमबैक किया। द मैच वाज वेरी क्लोज। यहाँ पे पहला पिक आता हुआ स्टार ने ले लिया है इनके रेस को। ओके एंड द सेकंड पिक वाज आल्सो बीन डन और यहाँ पे वुमन स्पॉटेड है। ओके वो भागने को ट्राई कर रहे थे लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया और डिफेंडिंग टीम डोमिनेट कर रहे हैं। लोवी ने दो पिक ले लिया यहाँ पे बट ही हैज बीन ट्रेडेड बाय हर्ष और यहाँ पर सस्ता सेंटिनल्स हैव लॉस्ट द फर्स्ट राउंड। फर्स्ट टू पिक जो स्टार ने लिया बहुत अच्छा था। केयरफुल केयरफुल attackers. Okay. That was a nice one tap by Harsh. वो दो picks ले चुके हैं। और वेट। Star यहाँ पे mid पे pick लेते हुए। Okay. यहाँ पे spotted और वो down हो गया। और यहाँ पे Omen के बीच fight चलता हुआ। Fasa Sentinels are again in the top spot and Homin is just trying to survive. He has been Lin and Harsh team piece with him. Another round for team Sasta Sentinels. Random 5 is actually not giving any spot for Sasta Sentinels to enter. Actually, I guess so. What is your opinion on it? They are playing very well. वो लोग को अटैक करने दे ही नहीं रहे वो लोग। या एग्जैक्टली तो आई गेस दे हैव टू बी मोर कंपोज्ड एंड थिंक ऑफ अ स्ट्रेटजी टू एक्चुअली ब्रेक डाउन द कंपोजिशन। दे नीड टू प्ले लिटिल स्लो और बनी वहां पे टॉप मिड पे ओडिन लिख के यहां पे क्राउच डांस कर रहा है एंड ही हैज आल्सो बीन स्पॉटेड हियर। हर्ष यहाँ पे बहुत अच्छा पोजीशन लेते हुए और फर्स्ट पिक आता हुआ। एज यूजुअल स्टार और हर्ष स्टार इज इन पॉपिंग आउट एंड अनदर वन। यहाँ पे एक्चुअली मुझे पता ही नहीं चला अटैकर्स कौन है, डिफेंडर्स कौन है, डिफेंडर ही अटैक किए जा रहे हैं। वेल द राउंड फिनिश्ड सो फास्ट लाइक आई वाजंट एबल टू इवन कोप अप एक्चुअली। स्टार और हर्ष दोनों ही पुश कर रहे हैं और सबको मार दे रहे हैं लाइक दे आर नॉट इवन गिविंग अ चांस द अपोनेंट्स। हर्ष इज प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट हिज मूव्स एंड आई गेस ही इज गोइंग टू स्टील द एमवीपी मे बी और लाइक आई गेस सो। हियर एंड इट्स अ फुल बी रश लेट्स सी व्हाट दे कैन डू। यहाँ पे बी पर रश हो चुका है। लेट्स सी हर्ष यहाँ पे साइड पे ऑलरेडी आ चुके हैं और ओके एंड हियर इज अ बैक स्टैब। सेज वॉल के थ्रू से आने का ट्राई था लेकिन हो नहीं पाया। ओ डैम स्टार हैज डन इट एंड स्टार टुक ऑल ऑफ देम फ्रॉम द बैक साइड एंड नाइस वन स्टार। हर्ष एंड स्टार आर पॉपिंग ऑफ। Hers has his economy very strong. I guess he's the Bill Gates of Valorant right now. I mean, you can say that the entire team has a very good economy, and you can see
The attackers are buying specters and only one of them has a vandal with full shield. Let's see what happens. Harsh is again picking mid. And he might get a pick. Of course he did. Oh damn. That was a straight cut, uppercut, I guess. Oh, another uppercut. Okay, start. He's taking one by one, all of them. Okay, Harsh is down. Yeah. The sage is too low. And he caught the Omen. Omen's ultimate was brought down by Star. And that was a pretty sleek move. Star going back to the side. Because Star particularly knows they are not trying to push in more. Now Chloe looking for the backstab very carefully, but alas, I guess Star was planning some strategy while going AFK during the before match. He was warming up. They will come. This time, yes. Sasta Sentinels is trying to take B, but they are totally captivated. And Star has again pushed into mid, and everyone, and KJ is trying to push into. The three picks for him. And Sasta Sentinels is again destroyed by Random Five. Random Five aren't exactly playing randomly. They are too composed for being named that. They are not at all random. Yes, they are. You're right. I'm still confused, like who's the defender, who's the attacker right now? Yeah, like the defending side is so aggressive that the attackers are facing. I guess the attackers are trying to defend their own spawn right now. Get out of my way. And Harsh is again talking. Okay, he has been taken out by Nick, and they've all been spotted outside the main. Star gets the kill, and Animus also gets a kill. You will not kill my ally. Okay. Glowy has revived Bunny. I mean, well, Harsh was a little more confident about that, but it's okay. Okay, let's see. Can Bunny. Okay, he did take out Ninja. Okay, that was a good one. Now they do have the man advantage. They're pushing towards A main. And Trixin is coming from A shot. Oh, Animus had hold the site and he has slowed down the entry. He did take out one but alas, Bunny has died. I guess. Taken out. Spike planted. Yeah. One down. That was a good one from Fist. One enemy remaining. Actually, that was a good try, but Fist took him out. Let's see, Killjoy versus Killjoy, who wins? I guess he knows. So oh, nice, that was a close call, and Sasta Sentinels has opened up there. Okay, and they're doing the tactical crouch. Well, okay. At least they have their morals up now, yes, with their first win. But it's not too late, they can do a comeback. Harsh is again going for an aggressive peek, I guess, with his location. Star is with his operator right now. And they're all pushing towards A main, and Animus is alone at A site. Trixie is with an operator too. I guess that's a risky move to take an operator, but let's see. Let's see if he can. If he can be successful. Animus with a nice shock dart. Trixie has taken down the first. Harsh has taken down Nick. Trixin is pretty low right now. And he is holding his position, he is not going aggressive.
Star has taken on Glovi. Spike down A. A spike has dropped. We also spotted Bunny, I guess, over there. Cutting their vision. Okay, Bunny can do something right now. And he tried. That was a close call. And Bunny couldn't take it. And nice one by Star. That was a good play. That was an awesome play. And again, one enemy remaining. Harsh is taking down everyone. That was a very nice move by Harsh, and he took out the operator. And I knew the operator was a risky move for Trixie, and but still, Harsh made it all the way in. Yes, he did. Seven wants a lead. कर रहे हैं team random fight. I mean, that is a huge lead. सफ़ा सैंडल्स का इकोनॉमी अभी भी खराब है. ओनली वन गाय हैज टेकन द वैंडल विद लाइट शील्ड. निंजा इज ओवर विद एन ऑपरेटर. ओके, हर्ष इज टेकिंग आउट एवरीवन राइट नाउ. गेट इन द फर्स्ट पिक इज ऑलवेज प्लेसिंग स्वॉर्म ग्रेनेड. स्वॉर्म ग्रेनेड आउट. Star is pushing with his operator towards top. They're pretty confident about their kills, and I can see how aggressive they are with this team. And I guess they might not have eaten something or something, but they are very angry on the other team. Oh damn! That was a some shot. Okay, Glovi has taken on Ninja and Harsh. Okay, I mean he's trying his best. Glowy, despite being a support character, has been constantly trying to push and take kills. And Glowy has been taking all the first bloods. Spike is with the defenders. Okay, he took down Star. He's our battle sage. Animus is over here holding this position, holding the push. But Glowy is going towards the spike. 30 seconds left. He doesn't have a revive either. Glowy is trying to receive some economy, and I guess that's the best decision right now. But let's see what moves he will have. He can pick up a Vandal and save it. The team has already rotated back, and I guess Glowy will rotate to A. And they are Animus and all have already speculated that, but the time is up, so too bad. But at least Glowy has managed to save some economy and has got a gun. I don't think he will get much economy this round. Yeah, but at least he has a gun and some saved money. So maybe they can use it for later. Let's see what can they do with this gun. Yeah. It's pretty obvious that the experience both of the teams have is clearly very different, but we still hope for the best for both of them. Glowy took the first blood. No, I am sorry, I was wrong. They're still holding a spawn, and Star is over there looking for them. He missed the first shot. That was a nice dismiss. That was a nice dismiss by Star. He's jump spotting them over there. Animus Star doing an incredible job with his operator. Animus, and I have never seen someone push so much with an operator. Okay. Jackson is trying to pick up a gun, but he is not able to. Okay, Glovi took on Animus. Okay, Star is in a very difficult position right now. They might have pushed a little too much. Last player stand. Yeah, they did. Okay, now everything is up on twists. Can he take this 1v2? Thirty seconds left. Okay, yeah. A nice one from Trixin. This round also goes to Sasta Sentinels again, and this is because I guess Random 5 was too confident about their push, but it's fine. Sasta Sentinels actually took advantage of the hold, and Jet actually did a pretty good job with the smokes there. Placing sentry.
here. As usual, destroying one enemy remaining. Destroying the attackers. The last match didn't stop Random 5 from pushing. They are still pushing and just killing them. Their confidence hasn't gone down and neither their economy. They are pretty confident. Last round before the switch. And that is a huge lead for Random 5. A 9-2. Can they make it 10-2? Or Sasa Sandals is going to make it 9-3? Get out of my way. Trixie with his ult, and I hope he can take out some heads. Oh, that is a dangerous move, and Trixie couldn't. Globy took out us, but Ninja took the trade. And Animus is pushing towards the main. And Ninja got caught. Bunny was in a very tight spot actually. Yes. She should have at least been, he should have been at least careful about her position. Nick about his point. Okay. It is a 3v2 now. Bunny, I'm so sorry I'm confusing you with Ray, the actual Rays. But don't mind me. Okay, Ninja has spotted both of them, I guess. Last player standing. Well, Random 5 has done it again, and it's. We are now in the. They are in the lead of 10-2. Yeah, we are almost at the end of the match, but let's see if they can turn the tides. Can they make a comeback? Let's see. It will be pretty difficult for Sasta Sentinels to make a comeback, but if they stay composed, I guess for Random 5, they have a pretty strict strategy of pushing in. So if they can do something about that, then they might have a chance. They are just too confident. Yeah, that we can say. But also, I guess their team style is to push in completely. Once they hold back, I guess there will be a problem with their composition. Let's see what happens. Bunny is satcheling over here and he will get caught. Oh, as I said, that was not a good move. To push in there, like Hush team has taken the control over B, and they are again doing that, and they are Hush again destroying them. As usual. One enemy remaining. Star is just. Okay. We tend to die. He's just looking for all the members. He's like hungry for kills. And they're all pushing towards him. And Hush took down Chloe. But I must say that Chloe has been very staying very composed and consistent. He's constantly trying to uplift his team's morale, and he is actually doing a pretty good job as a support as well as a battle sage. Bunny with a shotgun, I guess he will again satchel towards the enemy lines and try to get some frags with the shotgun, but let's see what happens. As like for defenders, Raze and Jett of Sasta Sentinels are trying, like being very optimistic with their moves. Jackson with Marshall trying to pick me. Let's see. And Glovy. Pizza holding the position, and Random 5 is pushing towards Aisha, and yeah, Star for Trixen, and got another kill. Hush, one enemy remaining, and it is over. Oh, it's not okay. Good. Whoa. And Ninja is done for Saiken. It is 12-2, so we can actually match see point. Who is gonna win right now.
Yeah, it's pretty obvious. Yes. But if miracles happen, then it might happen right now. But I don't think there is a sleek chance because Shasta Sentinels are on ventilator right now. Yeah. Harsh and Starrel pushing towards mid again. Harsh with the shot, he has spotted Lovi and he takes down. There's a full B rush from the mid and they are taking control over and over. Nick, oh, and Harsh with a sneaky move. Harsh took the trade for him. And it's a 1v4. I got the spike. Let's see what Trixen can do. And he has been spotted by the alarm bot. Well, Trixie with his judge will find very difficult to kill them. He has been spotted, everyone is coming for him. Everyone is coming for his head. It's going to be a nightmare for him. And Animus takes the last kill and the round match goes to the name of Random 5. Well, Random 5 randomly just killed everyone. Yep, you can say that. Yeah. Khatam right? Hello? Khatam na? Koi jawab kyun nahi de raha? Thank you for watching the matches. This stream is over and we'll come with another stream after some time. Immortal 1 or 2 baki sab diamond